मालखा में बदमाशों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन दुकानदारों से रुपए मांगने व मारपीट करने के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ इस तरह का ही मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गए हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस को दी शिकायत में प्रिंस पुत्र सतीश वासी पावटी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि तोताराम गेट स्थित अपनी गारमेंट्स की दुकान पर वर्करों के साथ वो बैठा हुआ था। तभी चुलकाना निवासी बलराम उर्फ बल्ला दुकान पर आया और उसने कहा कि मुझे हर महीने 10,000 रुपए की कपड़े चाहिए, जिसके बाद वो 3 दिसंबर यानी शुक्रवार को अपने 7 से 8 साथियों के साथ डंडे व बीड़े व तेज धार हथियारों के साथ आया और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं जाते जाते उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के दौरान उनकी स्प्लेंडर बाइक हाथ लग गई। वहीं लूटपाट में मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। जिसमें मारपीट और लूट का पर्चा दर्ज हुआ था, उसमें जल्दी गिरफ्तारी कर देंगे। सर कितने लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ? 5-6 बंदों के खिलाफ में FIR दर्ज है। घटना की सूचना मिलने के बाद SHO नरेंद्र कुमार व चौकी इंचार्ज ने घटना स्थल का मुआयना किया व जांच में भी जुट गए हैं। वहीं दुकान मालिक प्रिंस व उसके साथी विजेंदर घटना के दौरान घायल हो गए, जिन्हें पानीपत के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। शिकायतकर्ता ने घटना को लेकर आरोपियों के खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं मामले को लेकर DSP प्रदीप कुमार ने बताया कि दुकानदार के साथ मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए मालखा से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। सैमसंग LED टीवी, वेस्टर्न LED टीवी, वेस्टवे LED टीवी, वर्ल्ड क्लास LED टीवी अंडर वन रूफ, 0% फाइनेंस। आए बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर। फुल रेंज ऑफ मोबाइल सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आसान किस्तों में। जीतो 2.5 लाख रुपए के नाम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत, 9812145443।